बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब तो कपड़े बहुत बढ़िया लग रहे होते हैं अपने हाथ में, लेकिन जब घर लेके आते हैं और जिस दिन पहनते हैं तब पता चलता है ये तो टट्टी है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम अलय है और मुझे 20 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और मैं उस ज्ञान को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपका स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कपड़े बहुत इम्पैक्ट देते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, और वो इम्पैक्ट ज़्यादा तब देते हैं जब हमने हमारे कलर से मैच होते हो या हमारे स्किन टोन से मैच करते हुए कलर्स को पहना हो। तो उसी के बारे में बात करें, मोस्टली सारे स्किन टोन मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से स्किन टोन को कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। तो पूरी वीडियो देखना। हम फेयर स्किन टोन से डार्कर स्किन टोन की तरफ जाएंगे। तो नंबर वन पर हम बात करेंगे पेल स्किन टोन की। कुछ लोग होते हैं ना जो इंडियन होते हैं फिर भी थोड़े थोड़े अंग्रेज जैसा दिखते हैं, बस ये वही लोग हैं, ये वही स्किन टोन है। पहले अवॉइड करने वाले कलर्स बताता हूँ। ऐसे स्पेसिफिकली कोई कलर्स नहीं है कि बिल्कुल ही मत पहने या अपने वार्डरोब्स में निकाल के फेंक ले, लेकिन कुछ है जैसे कि पेस्टल कलर्स। पेल स्किन वाले ऑलरेडी बहुत वाइट होते हैं, तो वाइट की टोन वाले सारे कलर्स उन्हें बहुत ही डल पर्सनालिटी या डल इंपैक्ट देता है उनके लिए, और सेम जाता है हार्ड कोर न्यूट्रल कलर के लिए। जैसे एकदम जेट ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए, एकदम ऑल वाइट कलर के कपड़े पहन लिए, उससे ये होता है कि डार्कर शेड की वजह से उनका टोन ज्यादा दिखता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। सेम जाता है हार्ड कोर न्यूट्रल कलर्स के लिए, व्हाइट और ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कौन से कलर्स पहनने चाहिए। न्यूट्रल कलर्स में आप बेज कलर पर जा सकते हो, नीली ब्लू पर जा सकते हो, ग्रे से रिलेटेड मतलब घी के अंदर रहोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अपना मेन गोल बस यही है दोस्तों कि हमें कॉन्ट्रास्ट पैदा करना है, मतलब जैसी टोन है उसके विपरीत कपड़े पहनने, मतलब उस टोन से बिल्कुल ही अलग कपड़े पहने। अब बात करते हैं लाइट स्किन टोन के बारे में। ये लोग गोरे होते हैं लेकिन अंग्रेजों वाले नहीं, ये अपने इंडियन वाले गोरे हैं। तो पहले बात करते हैं कि उन्हें क्या नहीं पहनना चाहिए। लाइट स्किन टोन आपको भी पेस्टल से दूर रहना है, आपको जितने भी व्हाइट से रिलेटेड कलर्स है ना उससे मोस्टली दूर रहना है। पेस्टल्स हो गए, न्यूड्स हो गए, या ऐसे कलर्स जो पेल होते हैं वो कलर से बहुत दूर रहना है। तो अब बात करते हैं आपको क्या पहनना चाहिए। फेयर स्किन टोन वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको अर्थी कलर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अर्थी कलर्स मतलब खाकी हो गया, ग्रीन हो गया, ब्राउन्स हो गया, वैसे ही एक कलर है बर्न्ड ऑरेंज, मरून, या एकदम ब्राइट येलो हो, वैसे कलर के कपड़े आप पहनोगे तो आप क्या लगोगे। तो ट्राई करिए कि आप अर्थी कलर में ही ज्यादा रहे। गाइज अपने को है ना कलर्स के साथ खेलने का है, क्या कलर्स के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्किन टोन एक जैसी नहीं होती। मतलब पेल स्किन टोन यानी सबके सब पेल एकदम नहीं होगे, उनमें भी डिफरेंस होता है। थोड़े कुछ लाइट होते हैं, थोड़े एकदम ज्यादा पेल होते हैं, व्हाइट में भी कुछ एकदम व्हाइट वाले व्हाइट होते हैं, कुछ रेडिश हो दिखते हैं वैसे व्हाइट होते हैं। तो आपकी जो स्किन टोन है ना वो बहुत ही अलग अलग होती है, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो थर्ड टाइप आती है वीटिश स्किन टोन। तो ये अपने इंडियंस का कलर है, मतलब इंडिया में मोस्टली यही टोन होता है सबका। तो आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स का कलर ये हो सकता है। सबसे पहले अवॉइड करने वाले कलर्स बता देता हूँ आपको। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रास्ट करना गोल्डन रूल है, तो आपको ग्रीन, ब्राउन, खाकी वो कलर्स से थोड़ा दूर रहना है। आपकी स्किन टोन से जो एकदम मैच होते हैं वैसे कलर्स आपको नहीं पहनना, वैसे कलर्स अवॉइड करने। तो अब बात करते हैं आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। अब बात करते हैं आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो आप
सारे कलर्स पहन सकते हो, कोई ऐसे पाबंदी नहीं है। ब्राइट कलर्स पहनोगे तो ज्यादा बढ़िया लगोगे। और मेरा एक पर्सनल टिप रहेगी कि आप ब्राइट कलर्स को न्यूट्रल कलर्स के साथ पेयर करें। मतलब कि अगर आपने रेड शर्ट पहना है तो नीचे नेवी ब्लू कलर का ट्राउजर पहन सकते हैं या ऐसा कुछ। कलर्स को न्यूट्रल कलर की वजह से थोड़ा सा ऐसा बैलेंस मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी लुक और बढ़िया लगे। अब लास्ट स्किन टोन पर हम आते हैं, जो है डार्क स्किन टोन। अब डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि आपको कौन से कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। आपको मोस्टली जितने भी डार्क कलर्स हैं ना, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ब्राउन्स हो गए, खाकीज हो गए। लेकिन इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे ब्लैक निकाल कर फेंक दो। आप अगर ऑल ब्लैक आउटफिट भी करेंगे, यानी ऊपर ब्लैक शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स, फिर भी आप बहुत बढ़िया लगोगे। क्यों? एक यूनिवर्सल कलर है, मोस्टली सारी ही स्किन टोन पर ब्लैक सूट हो जाता है। पेल स्किन टोन को मैंने इसलिए मना किया क्योंकि उसमें वो ज्यादा पेल दिखने लगते हैं, उनका कलर ज्यादा ही ऐसे उभर रहा होता है। इसलिए आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि आप कौन से कलर पहन सकते हो। आप फ्री हो गाइस, आपको जो कलर पहनना हो पहन सकते हो। पेस्टल पहन सकते हो, न्यूड पहन सकते हो, बेज कलर के कपड़े पहन सकते हो, पेस्टल कलर्स हो वो भी पहन सकते हो। आप फ्री हो, आप पहनो, जो पहना हो पहनो, बस डार्क कपड़े मत पहनना। ओके, तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। मैं आपको अगली बार मिलूंगा। टाटा।